बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें कुछ फंक्शन गिवन है, आप बताइए कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की तीन कंडीशन है। ठीक है, तो पहला कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है कि अगर हम यहाँ एफ एन रियल नंबर पुट कर ले और ये एग्जिस्ट हो। ठीक है, तो लेट सी बी एनी रियल नंबर। तो यहाँ अगर हम एफ जगह सी पुट कर ले तो हमारे साथ ये आ जाएगा 2c-3 विच इज डिफाइन, विच इज एग्जिस्ट या विच इज डिफाइन। इसका मतलब ये है कि रियल नंबर से कोई भी वैल्यू हम पुट, अगर 1 पुट कर लें बी एग्जिस्ट है, 2 पुट कर लें -1 पुट कर लें -2, सी एनी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पुट कर लें तो इसका आंसर हमारे साथ आता है इन्फिनिटी, नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंडीशन 1 हमारे साथ सेटिस्फाइड है। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ सी, एक्स की जगह हम सी पुट कर लें, इज इक्वल टू 2c-3। मतलब यहाँ हम एनी रियल नंबर यहाँ अप्लाई कर लें तो लिमिट हमारे साथ एग्जिस्ट होगा विच डिफाइन, तो ये भी हमारे साथ डिफाइन है। ठीक है, अगर इससे भी हमारे साथ 2c-3 आता है, अगर x की जगह में c पुट कर लो। ठीक है, इसका मतलब ये है, तीसरा कंडीशन ये है कि f of c हमारे साथ इसके बराबर है, दोनों बराबर है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ सी, इन दोनों का रिजल्ट, इसका रिजल्ट भी 2c-3 है, इसका रिजल्ट भी, तो ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3 इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू डिवाइड बाय x-5। तो कंडीशन 1, अगर यहां मैं एक्स की जगह 5 पुट कर लो, मतलब लेट सी इज इक्वल टू 5, लेट सी इज इक्वल टू 5, तो यहां अगर मैं 5 पुट कर लूँ तो एच ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 5-5 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 5 के अलावा कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर लो तो इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, एच ऑफ सी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई c-5। ठीक है, सो द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। ठीक है, सो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय x-5 इज कंटिन्यूस फॉर r-5। 5 के अलावा सारी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस फंक्शन है और 5 के लिए डिसकंटिन्यूस है। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय x-5 इज डिसकंटिन्यूस फॉर c इज इक्वल टू 5। c की जगह अगर हम 5 पुट कर लें या x इज इक्वल टू 5, x की जगह अगर हम 5 पुट कर लें तो ये हमारे साथ डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी सारी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। तो पार्ट नंबर b हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है जी आप एक्स इज इक्वल टू x-5 डिवाइड बाय x-3 इन टू x+2। तो कंडीशन 1, जी आप अगर सी की जगह में एक्स की जगह में 3 पुट कर लो 3, तो ये मेरे साथ आ जाएगा जी ऑफ 3 इज इक्वल टू x-5
डिवाइड बाई 3 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 से 0 आता है इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब x इज इक्वल टू 3 के लिए डिफाइंड नहीं है। अगर मैं x की जगह माइनस 2 पुट कर लो तो g ऑफ माइनस 2 हमारे साथ आ जाएगा x माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 2 माइनस 3 इन टू माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे हमने x की जगह 3 पुट किया है तो ये माइनस 2 3 माइनस 5 से हमारे साथ माइनस 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस 2 माइनस 5 से माइनस 7 आता है डिवाइड बाई माइनस 2 माइनस 3 से माइनस 5 एन टू 0 विच इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब कि x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2 के लिए डिफाइन नहीं है, बाकी जो भी वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं तो इसके लिए कंटिन्यूस होगा। सो g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 3 एन टू x प्लस 2 इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर r माइनस 3 कामा माइनस 2। मतलब 3 और माइनस 2 के लिए ये कंटिन्यूस नहीं है और बाकी सब के लिए कंटिन्यूस है। एंड डिसकंटिन्यूस इसके लिए कंटिन्यूस है r माइनस 3 माइनस 2 एंड डिसकंटिन्यूस फॉर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।